इतिहास के सबसे बड़े युद्ध की कहानी की सत्यता को लेकर कई बार सवाल उठे तो कई बार उसको जमीनी कसौटी पर उतरना पड़ा। महाभारत से जुड़ी कहानियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में सुनी जा सकती हैं। ऐसे में मेरठ के पास हस्तिनापुर में पुरातत्व विभाग महाभारत से जुड़े साक्ष्य को फिर से तलाशने की तैयारी में है। समय समय पर खास तौर से हस्तिनापुर इलाके में हुई खोज कई बार इतिहासकारों के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर आती है। आखिर हजारों साल बाद भी मानव सभ्यता से जुड़ी इन चीजों को कैसे समझा जाए। 1952 में प्रोफेसर बीवी लाल द्वारा सबसे पहले हस्तिनापुर को खोज में मिले साक्ष्यों को महत्वपूर्ण माना गया था। वहां पर कई सारी चीजें ऐसी मिली थी जो बेहद चौंकाने वाली थी। केंद्र सरकार अब तक इस अनसुलझे इतिहास को दोबारा सबके सामने लाने का प्रयास कर रही है। इसमें अब तक मिले तमाम साक्ष्यों की कार्बन डेटिंग कराई जाएगी, साथ ही साथ पांडव टीला और उसके आसपास के क्षेत्र में पुरातत्व विभाग फिर से खुदाई करेगा। कार्बन डेटिंग से ये जानकारी सामने आ जाएगी कि पुरातात्विक खोज की गई यानी जो भी सामान उनको मिला है क्या वाकई महाभारत काल के ही हैं या फिर इतिहास उससे भी पहले का है, क्योंकि कॉपर से बने हथियार ये समझाते हैं कि यहाँ का इतिहास करीब 4000 साल से 6000 साल पूर्व का है। केंद्र सरकार ने हस्तिनापुर के लिए करीब 500 करोड़ रुपए का बजट अलॉट कर दिया है। ऐसे में हस्तिनापुर का विकास पर्यटन की दृष्टि से उसको महत्वपूर्ण बनाना, उसकी पुरातात्विक महत्व को आम जनता के सामने लाने के प्रयास को सफल बनाने की कोशिश की जाएगी। भारतीय पुरातत्व विभाग मेरठ जोन ने डॉक्टर आर के गणनायक बता रहे हैं कि अब नए साल में इसकी शुरुआत करेंगे। करीब 10 जनवरी से खुदाई शुरू होगी। ये पहले की गई खोज के आधार पर हम लोगों ने कुछ स्थानों को तय कर लिया है। आपको ये भी बता दें कि मेरठ और हस्तिनापुर हमेशा से महाभारत से जुड़े स्थलों के महत्वपूर्ण स्थान रहे हैं। हालांकि बागपत के सिनौली में जब महाभारत कालीन खोज हुई थी तो उसने इतिहास की दिशा को बदल कर रख दिया था। अब ये नई खोज जो हस्तिनापुर में होगी बहुत ही महत्वपूर्ण है।